हमारे चुनावी रणनीति हमारी क्या होगी, हमारे कौन कौन लीडर्स यहाँ आने वाले हैं जो हमारे केंद्रीय नेता हैं, प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी चुनाव प्रचार में भाग लेंगे, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी आएंगी चुनाव प्रचार में, और फिर जो युवा नेता हैं हमारे देश के राहुल गांधी जी भी चुनाव प्रचार में आएंगे, दिग्विजय सिंह जी, अशोक गहलोत, शीला दीक्षित, अंबिका सोनी, गुलाम नबी आजाद जी, मुकुल वासनिक जी, डॉक्टर के केशव राव जी जो प्रभारी हैं, ऐसे कई लोग इस चुनाव प्रचार में यहाँ आने वाले हैं। कांग्रेस सत्ता में नहीं रही कभी, 7 वर्षों तक इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन लोगों ने देखा है, मेरे पास पूरे आंकड़े हैं। उन्हें जो राशियां मिली बजट के माध्यम से वो योजना गैर योजना मद की राशि खर्च नहीं कर पाए, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या में और वृद्धि हुई, बुनियादी सुविधाएं वो नहीं दे पाए, सिंचाई सुविधा उन्होंने उपलब्ध नहीं कराया, कृषि के प्रक्षेत्र में कोई वृद्धि हमारी नहीं हो पाई। इस राज्य में उम्मीद यही थी कि ये जब राज्य बनेगा तो 50 लाख जो राष्ट्रीय मापदंड है कि 50 लाख की आबादी पे एक मेडिकल कॉलेज होंगे, 50 लाख की आबादी पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा, इन सब चीजों को खोलने की बात तो आप दूर कर दीजिए। 7 वर्षों में ये लोग अपने लिए एक विधानसभा जो हमारी संस्था है, जो हमारे लिए मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर है, एक विधानसभा के भवन का निर्माण लोग नहीं करा पाए, नई रांची की बात लोग नहीं कर पाए, तो बिजली के प्रक्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, हम 5 मेगावाट भी अतिरिक्त बिजली का उत्पादन नहीं कर पाए, ये आधार है। और जो विगत 3 महीने में महामहिम राज्यपाल जी ने जो कार्य संस्कृति को सामने रखा है, तो लोगों का यह है कि एक अवसर कांग्रेस को मिलना चाहिए, कांग्रेस के एलायंस पार्टी के साथ को मिलना चाहिए, ये हमारा आधार है और हम जनता के बीच जाएंगे।